हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ दामिनी और स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन ब्लॉगर दामिनी में। तो कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है थर्सडे और आज का ब्लॉग जो है मैंने सवेरे से स्टार्ट किया है, तो ये देख रहे होंगे आप। तो अभी जो है मेरा स्नान होना बाकी है और मतलब स्नान से पहले ही मैंने आज अपना नाश्ता वाश्ता कर लिया है, बना लिया है। तो बच्चों को भूख लगी थी तो मतलब सवेरे सवेरे मैंने स्नान के पहले ही नाश्ता बना लिया। तो आज नाश्ते में बना था उपमा, तो वही सब हम लोगों ने खा लिया है और उसी को जो है वो थोड़ा सा किचन में से हो गया था, तो मैं वही क्लीनिंग कर रही हूँ। और किचन क्लीनिंग करने के बाद में मैं स्नान कर आई हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप। और मैंने साड़ी वगैरह डाल ली है, तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा मेकअप कर लूँ। और अब मैं जो है वो अपना लंच बनाने में लग गई हूँ। तो लंच में मैं आज भिंडी की सब्ज़ी ही बनाऊँगी क्योंकि बच्चों को पसंद है और 3-4 दिन हो गए हैं मैंने ला कर रखी हुई है। तो इस तरीके से कैरी बैग में मैं रख देती हूँ तो ख़राब नहीं होती है, तो आप भी रख सकते हो। तो ये देखिए अभी इसे मैं जो है चलने में निकाल दे रही हूँ और इसको मैं अच्छे तरीके से धो लूँगी। तो यहाँ पर देखो आप, मैंने जो सवेरे उपमा बनाया था वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और एक तरफ जो है वो सब्ज़ी के लिए कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी है, तो कढ़ाई अच्छे से गर्म होने के बाद में मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। तो अभी जो है वो मैंने मतलब अपने डेजर्ट में पानी डाला है और मैं जस्ट बाहर आई थी, तो आपको बताऊं एक भी कोई भी मतलब कोई भी नहीं दिख रहा, इतनी तेज धूप है तो आप देख सकते हो। तो हम लोग जो है वो बिना डेजर्ट के बिल्कुल भी नहीं रह सकते। हर एक के घर में आपको डेजर्ट लगा हुआ मिलेगा, हर एक के घर में जो है वो ये हरी वाली नेट होगी, दिख रही है ना आपको मेरे घर पर, तो वो सब लोग जो है वो लगाते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये देखिए हर एक के घर पे जो है आपको मिलेगी। एक मिनट में इधर से भी आपको दिखाती हूँ, मतलब इस ये हमारी पीछे वाली गली थी और ये सामने वाली, तो यहाँ पर भी देखो ये पूरे घरों में जो है वो मतलब सब लोग जो है वो नेट लगाकर ही लगानी ही होती है। तो चलिए अभी खाना खाती हूँ। बस दोपहर के टाइम में जो है सिर्फ डेजर्ट में पानी डालने के लिए बाहर आना होता है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। और आजकल जो है वो मतलब कभी 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 कभार बादल भी आ रहे हैं, तो थोड़ी सी छांव भी पड़ जाती है, तो पता नहीं बारिश होगी या नहीं।
को बताया तो है वैसे बारिश होगी हमारी तरफ, देखते हैं। तो अब मैंने अपने लिए थाली परोस ली है, तो ये देखिए यहाँ पे मतलब कैरी जो है वो लाल मिर्च में वगैरह थोड़ी सी फ्राई कर ली है मैंने, पीनट्स की चटनी है, भिंडी की सब्जी है और रोटी है। तो चलिए खाना खाते हैं। देखिए अब जाके जो है मेरे काम खत्म हो चुके हैं और इसके बाद में मैंने अपना मतलब साजो श्रृंगार किया है, तो उस पर भी लिपस्टिक मैचिंग नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, जो मिली हाथों में लगी मेरे वो लगा ली। और आज का जो क्लिप लगाया है मैंने, मतलब जो ये वाला होता है लंबा वाला, तो वो लगा है, वो भी काफ़ी दिनों बाद मुझे मिला है, तो मैंने सोचा चलो इस तरीके से मांग बनाकर आज मैं हेयर स्टाइल कर लेती हूँ। और कुछ नहीं, तो चलिए अभी फ्रेश हुई हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। तो जैसे सब काम निपटाते निपटाते जो है वो गर्मी की वजह से जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, और कुछ मेकअप करने का कुछ फ़ायदा भी नहीं होता सच में बताऊँ तो, गर्मी से जो है पूरा मेकअप ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से मैं अक्सर यही करती हूँ कि जब भी मेरे काम ख़त्म हो जाते हैं सब, तब भी मैं अपना मतलब बाल वगैरह बना लेती हूँ और अपना थोड़ा सा कुछ रूटीन मेकअप है वो कर लेती हूँ। क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे तो मतलब मुझे जो व्लॉग स्टार्ट करना होता है तो मेकअप नहीं होता है, तो इस वजह से मैं मतलब थोड़ा सा खिंचाती हूँ कि व्लॉग वैसे ही कैसे स्टार्ट करूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हाउसवाइफ से तो हाउसवाइफ जो है वो साजो श्रृंगार करके तो घर में नहीं रहती, तो जैसी हूँ मैं वैसे ही आपको दिखूँगी अपने व्लॉग्स में, और अपने काम वगैरह सब करते हुए मैं आपको मतलब आप देखोगे मुझे वैसे ही। तो आप लोग भी समझदार हो, तो जैसे लेडीज जो है वो पूरा सीरियल की तरह साजो श्रृंगार करके, तो हम इंडियंस हाउसवाइफ जो है वो अपना रूटीन तो नहीं करते, अपने डेली काम्स नहीं करते, तो इस वजह से तब भी जो है वो मैंने अपना मतलब कर लिया है थोड़ा सा मेकअप, तो मैंने सोचा चलो आपसे थोड़ी सी गपशप कर ली जाए। तो इस वजह से जो है मैं अभी बाहर आई हूँ तो आपसे गप पे लड़ाने के लिए। तो मतलब कल है ना मेरी मनु से लड़ाई हो रखी है, तो बताती हूँ मैं आपको रीज़न उसका। तो अभी भी जो है वो मतलब सब लोग टीवी देख रहे हैं अंदर, तो मैंने सोचा चलो अपना व्लॉग जो है वो मैं बाहर ही बना लेती हूँ, ताकि अभी जो है थोड़े से बादल आए हुए हैं जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, तो इस वजह से थोड़ा सा बाहर ही आ गई मैं। और आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी अच्छे से। तो जब से छुट्टी चालू हुई ना, तो उसका जो है वो चीज़ें इधर उधर रखने का उतना उसको इतना शौक चढ़ा हुआ है, कोई भी मेरी चीज़ें मतलब मुझे जगह पर मिलती ही नहीं। तो एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, तो ये देखिए अभी जो लिपस्टिक का ये कलर लगाया है मैंने, तो ये इस साड़ी पर बिल्कुल भी नहीं जाता मुझे पता है, और इस पर जो कलर है पिंक वाला बिल्कुल इसी टाइप का जो है वो पिंक कलर का लिपस्टिक है मेरे पास से, तो वो जो है वो भी मुझे मिल नहीं रही थी, तो उसने जो है वो मुझे लगता है कि उसने कहीं रख दी है और अभी उसको ही याद नहीं आ रही, तो उसको जो है ये शौक चढ़ा है आजकल तो चीज़ें इधर उधर रखने का, तो इस वजह से मेरी और उसकी जो है कल लड़ाई हो रखी थी। तो अभी जो है वो मैं उससे इकट्ठी हुई हूँ, तो इसलिए वो मेरे साथ में उसने खाना भी नहीं खाया, तो अकेले ही खाना खाया, तो और कृष्णाली और मैंने मिलकर खाना खाए हैं, उसके पापा ने जो है पहले ही खाना खा लिया था। और आज की जो साड़ी पहनी है मैंने वो है मेरी मतलब सगाई की साड़ी है, सगाई की, हाँ सगाई में ही दी थी उन्होंने, तो वो वाली साड़ी है। तो इसका जो ब्लाउज़ है वो मतलब अभी ऑब्वियसली आ नहीं रहा था, तो फिट हो गया है, तो इस वजह से ये वाला डाल दिया मैंने, लेकिन आज मेरा बड़ा मन कर रहा था कि ये वाली साड़ी पहनूँ,
तो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन इसका कलर जो है मुझे बड़ा प्यारा लगता है, और इस पर जो ये बने हुए हैं फ्लावर्स तो वो भी बड़े प्यारे लगते हैं, और इसका कलर जो है इस क्लाइमैक्स में बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलो आज यही पहन लेती हूँ। और आज का दिन तो मतलब कुछ नहीं किया है, अभी जो है खाना वाना हो गया, डेजर्ट में पानी डाल दिया है, और अभी जो है दोपहर का टाइम है, तो अभी मैं बच्चों को सुलाऊंगी, तो दोपहर के टाइम में सुला देती हूँ मैं उनको, और सब कुछ काम वाम निपट गया है मैंने मेरा, लेकिन शाम के बर्तन जो है वो अभी बाकी है मेरे, मतलब अभी जो मतलब जो लंच बनाया होता है और जो खाने के बर्तन होते हैं वो मेरा अभी बाकी है, तो वो शाम को धो दूंगी। तो आज का दिन बस इतना है, और अब भी मतलब आपको बताऊं, ये पहला साल होगा जो मैं 1.5 साल के बाद में मायके जाऊंगी, तो वैसे तो हर साल जाती हूँ, लेकिन एक साल साल में एक बार मैं मायके जाती हूँ, तो अभी जो है लॉकडाउन की वजह से अभी तो नहीं जाना होगा, तो अभी मैं दिवाली पर जाऊंगी घर, तो लेकिन आजकल जो है याद आने लगी है, मम्मी की याद आती है, गांव की याद आती है, पापा की याद आती है, सबकी याद आ रही है। और अभी पिछले महीने भाई के लड़के का बर्थडे था, तो लॉकडाउन की वजह से कोई जा नहीं पाया, तो वो भी बहुत बुरा लगा। तो आजकल जो है ना वो मुझे मतलब ऐसे मन नहीं लग रहा है, याद आ रही है। और मेरा मायका जो है वो शिरडी के पास में है, तो शिरडी के साईं बाबा का पिक्चर जो है वो आज थर्सडे है, गुरुवार है, तो हर गुरुवार को लगता है, जो पुराना वाला पिक्चर है तो वो लगा हुआ था, तो वही हम सब लोग देख रहे थे, तो इस वजह से आज जो है वो मैं आपसे बात नहीं कर पा रही हूँ, कर पाई मैं तो वॉइस कवर ही दिया है सवेरे से मैंने, और आज सवेरे उठने के बाद में मेरी तबीयत भी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, थोड़ी सी ख़राब थी, तो थोड़ी सी देर से उठी हूँ मैं, और फिर उठने के बाद में बच्चों को भूख लग गई थी, तो इस वजह से जो है वो मैंने स्नान करने से पहले ही उनके लिए उपमा बना दिया, और उपमा तो मैंने आपके लिए शुरू नहीं किया, और उसके बाद में जो है वो मैंने अपना स्नान वगैरह कर लिया, फिर लंच बनाया, तो भिंडी की सब्जी बनाई थी, और मम्मी के पापा ने जो है वो मम्मी के पास से सब्जी लेकर आए थे, क्योंकि भिंडी उनको पसंद नहीं थी, तो वो बोले छोड़ो मेरे अकेले के लिए मत बनाओ, मैं मम्मी के पास से लेके आऊँगा, तो वो मम्मी के पास से मम्मी ने बनाई थी चोई की सब्जी बनाई थी बेसन डाल के, तो वो खा लिए वो। और अभी जो है वो बच्चों को सुलाना है मुझे, और फिर इस व्लॉग की एडिटिंग करनी है, और कुछ नहीं अभी थोड़ा सा टीवी देखूंगी, इस ब्लॉग की एडिटिंग करूंगी, और फिर आज का दिन ख़त्म। तो यही मेरा आज का दिन था, तो चलिए ब्लॉग्स एंड करते हैं, और आप लोगों को अगर अच्छा लगा है, आपको अच्छा लगता है मेरे ब्लॉग्स देखना, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पर, आपको अच्छा लगे तो, और आपका बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब फैमिली में, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आप मेरे फैमिली में इंटर हो जाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही, और मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में नए कुछ लेके, और हाँ आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी साड़ी कैसी लगी, तो मतलब मेरी शादी को अभी इतने साल हो गए हैं, लेकिन मैंने जो है बहुत संभाल कर रखी हुई है, और भी काफ़ी सालों तक मैं ऐसे पहनूंगी, क्योंकि मुझे जो है बहुत अच्छी लगता है, इसका कलर जो है और सभी औरतों को जो है बहुत पसंद आता है, तो सब बोलती है मुझे कि तुम्हारे ऊपर जो है वो ये बहुत प्यारा लगता है कलर, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं काफ़ी संभल कर इसे यूज़ करने वाली हूँ, अभी और कुछ सालों तक तुम इसे देखने के लिए पहनूंगी। तो चलिए आज का व्लॉग एंड करती हूँ फ्रेंड्स, और मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में नया कुछ लेके, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए बाय गाइस, बाय।